पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हर बच्चे को स्मार्ट बनाना होगा, हर जो शिक्षा का जितना भी अभाव है उसको कम करना होगा, स्वास्थ्य का अभाव को करना होगा। और पहला और मेरा एक एजेंडा सबसे बड़ा है कि 2 महीने के अंदर, मधु मंजरी मेयर तो बन ही रही है, अगर बनती है तो 2 महीने के अंदर पटना का जो कार्यालय होगा, नगर निगम का कार्यालय, ई कार्यालय होगा, सारा वेबसाइट पर अपडेट होगा। कहा जा रहा है कि घूमने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही वोट मिल रहा है। कहा जा रहा है कि क्यों घूम रही है, ऐसे ही वोट मिल रहा है। अगर कोई महिला चाहती है कि गाड़ी चलाए या जैसे भी चलाएं, तो उनको ट्रेनिंग दे करके वहां रखा जाएगा, ये मधु मंजरी का काम होगा। और जिस तरह से जितना मतलब ये है, पटना नगर निगम का अपना गाड़ी है, अपना वर्कशॉप नहीं है, कारण सिर्फ इस वजह से नहीं वर्कशॉप इन लोगों ने खोल रखा है कि अगर कोई गाड़ी 5,000 रुपये में बन सकता है, फिर भी उसको फेंक दिया जाता है, रखा हुआ है, और उसके अंदर का सारा सामान बिक जाता है, नई गाड़ी खरीदी जाती है। ये जो कमीशन खोरी सबसे पहले मधु मंजरी बंद करेगी। मोहल्ला नहीं, अदरवाइज देखिए मोहल्ला तो सब है सपोर्ट में, इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे ही वोट करें, क्योंकि मधु मंजरी एक ऐसी प्रत्याशी है जो पटना की गलियों को जानती है, पटना की जरूरतों को पहचानती है, और जानती है कि दीघा से लेकर दीदारगंज तक और खुजाई इमली से लेकर के आपको अनिसाबाद से लेकर के जितना भी जगह है, पटना सिर्फ बोर्डिंग रोड नहीं है, पटना सिर्फ राजा बाजार नहीं है, पटना दीघा भी है, पटना राजीव नगर भी है, पटना साहिब भी है, और पटना जो है कुम्हरार भी है। वेंडिंग जोन बनाना हुआ, पार्किंग बनाना हुआ, और स्मार्ट सिटी का जितना जो प्रोजेक्ट है उस पर पूरी की पूरी तरह काम करेगी। और सबसे बड़ा चीज, पटना नगर निगम कमीशन खोरी मुक्त होगा, ये मधु मंजरी का वादा है। पटना मेयर का चुनाव हो रहा है और आज अंतिम दिन है प्रचार का। मधु मंजरी अब जो है अपने क्षेत्र में, यानी खास करके उनका जो घर के आसपास का इलाका है, वहाँ पे हर दुकान में जाकर के आशीर्वाद मांग रही हैं, वोट देने का अपील कर रही हैं। आप यहाँ देख लीजिए कि वोट देने का अपील जो है, कहा जा रहा है कि घूमने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही वोट मिल रहा है। कहा जा रहा है कि क्यों घूम रही है, नहीं है, और इनको मोहल्ला नहीं, अदरवाइज देखिए मोहल्ला तो सब है सपोर्ट में, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। जमीन से जुड़ी है, सब दिन साथ में थी, आज भी है और कल भी रहेगी, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। आज अंतिम दिन बचा हुआ है, मात्र 4 घंटा बचा हुआ है प्रचार का। पटना की जनता से तो सबसे पहले आग्रह करना चाहेंगे कि आप मुझे ही वोट करें, क्योंकि मधु मंजरी एक ऐसी प्रत्याशी है जो पटना की गलियों को जानती है, पटना की जरूरतों को पहचानती है, और जानती है कि दीघा से लेकर दीदारगंज तक और खुजाई इमली से लेकर के आपको अनिसाबाद से लेकर के जितना भी जगह है, पटना सिर्फ बोर्डिंग रोड नहीं है, पटना सिर्फ राजा बाजार नहीं है, पटना दीघा भी है, पटना राजीव नगर भी है, पटना साहिब भी है, और पटना जो है कुम्हरार भी है। तो पटना के अलग अलग जरूरत, जगहों का अलग अलग जरूरत है। पटना की जनता से मैं आग्रह करूंगी कि आपकी प्रत्याशी मधु मंजरी दीघा से लेकर दीदारगंज तक एक एक गली को जानती है, एक एक गली को पहचानती है। जितना पटना में यहाँ देखेंगे मॉल बन रहा है, मल्टीप्लेक्स बन रहा है, लेकिन उतना ही स्लम बस्ती भी है। पटना की लोगों की जरूरत अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। स्लम बस्ती को भी हमें स्मार्ट बनाना है। जब तक हम सबको लेकर नहीं चलेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम कभी भी संपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हर बच्चे को स्मार्ट बनाना होगा, हर जो शिक्षा का जितना भी अभाव है उसको कम करना होगा, स्वास्थ्य का अभाव को करना होगा। और पहला और मेरा एक एजेंडा सबसे बड़ा है कि 2 महीने के अंदर, मधु मंजरी मेयर तो बन ही रही है, अगर बनती है तो 2 महीने के अंदर पटना का जो कार्यालय होगा, नगर निगम का कार्यालय, ई कार्यालय होगा, सारा वेबसाइट पर अपडेट होगा कि किस गली, किस मोहल्ले में कौन इंसान काम कर रहा है, कौन इंप्लॉय काम कर रहा है, उसका टेलीफोन नंबर के साथ। अगर आपको रोड नंबर 6 में अगर झाड़ू लगाने वाला कौन आदमी है आपको पता होगा, उसका टेलीफोन नंबर भी रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि जो 7 साल से 8 साल से जो ज़्यादा ऊपर से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सबका जो टेम्पररी है सबको परमानेंट किया जाएगा, ये काम किया जाएगा। तीसरा एक और चीज़ है कि पटना नगर निगम की मेयर सिर्फ महिला नहीं होगी और डिप्टी मेयर महिला नहीं होगी, एम्प्लॉय जो है उसमें भी महिलाओं का, और आप देखेंगे कि ऑन पेपर आपको 100 लोग काम कर रहा है तो ऑफलाइन जो है 60 लोग काम कर रहा है, तो जो 40 लोग बचा, जो 40 लोग की सैलरी की जो घोटाला हो रहा है, वो 40 लोग में महिला काम करेगी। अगर कोई महिला चाहती है कि गाड़ी चलाएं या जैसे भी चलाएं, तो उनको ट्रेनिंग दे करके वहां रखा जाएगा, ये मधु मंजरी का काम होगा। और जिस तरह से जितना मसीह मतलब ये है,
पटना नगर निगम का अपना गाड़ी है, अपना वर्कशॉप नहीं है। कारण सिर्फ इस वजह से नहीं वर्कशॉप इन लोगों ने खोल रखा है कि अगर कोई गाड़ी 5,000 रुपये में बन सकता है फिर भी उसको फेंक दिया जाता है, रखा हुआ है और उसके अंदर का सारा सामान बिक जाता है, नई गाड़ी खरीदी जाती है। ये जो कमीशन खोरी सबसे पहले मधु मंजरी बंद करेगी और अपना वर्कशॉप होगा और वहाँ पर रिपेयर मरम्मत भी होगा गाड़ियों का, सिर्फ खरीदा नहीं जाएगा। तीसरा एक और चीज़, गीला कचरा से जो मशीन खरीद करके जो पड़ा हुआ 17 का 17 मशीन 3 करोड़ रुपये का एक मशीन है जो खरीद करके पड़ा हुआ है, उस पर कार्यान्वित होगा और वहाँ पर लोग को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। एक और चीज़ हम आपको बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से देखते हैं कि जीविका संघ जो चलता है उसी तरह से पटना नगर निगम का प्रोजेक्ट है, जो अंडा बेचने वाला, ठेला जो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, माथा पे जो लगाता उन लोग के लिए जो प्रोजेक्ट था नगर निगम के मेयर साहिबा ने सिर्फ इसलिए बंद कर दिया कि उसमें कमीशन खोरी नहीं था, उसमें उनका पर्सनल फायदा नहीं था, उसको हम 2 महीने के अंदर में चालू कराएंगे ताकि आम लोग उससे प्रभावित हो, उनको फायदा मिले। तीसरा एक और चीज़ है कि वेंडिंग जोन बनाना। आज देखेंगे कि रिक्शा ठेला वाला कहीं ना कहीं उसको भगा दिया जाता है यहाँ से, और आम लोगों को भी परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम होता है, तो वेंडिंग जोन बनाना जो नगर निगम का काम है उस पर भी हम काम करेंगे। वेंडिंग जोन बनाना हुआ, पार्किंग बनाना हुआ और स्मार्ट सिटी का जितना जो प्रोजेक्ट है उस पर पूरी की पूरी तरह काम करेंगे। और सबसे बड़ा चीज़, पटना नगर निगम कमीशन खोरी मुक्त होगा, ये मधुमंजरी का वादा है। चलिए तो मधुमंजरी जी, जी 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 सर, मधुमंजरी से हम ये कहना चाहेंगे जे जिस राजीव नगर से ये खड़ी हुई है, ठीक है, पटना के मेयर से खड़ी है, मगर राजीव नगर में ये रह रही हैं और राजीव नगर की बच्ची भी हैं, तो राजीव नगर के विषय में क्या कहना है? सबसे पहले बात की देखेंगे कि हम तो खुद उसकी भुक्तभोगी हैं कि पिछला ना जाने कितने वर्षों से राजीव नगर का रोड नाला और जो कचरा का जो समस्या है वो है, और हमारा 23 नंबर हो या तो फिर 15 जो भी है, राजीव नगर का जो है सो है, यहाँ का जो विकास रुक गया है, यहाँ का घर द्वार रुक गया है, यहाँ के बच्चे बेमुख हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस पर एक और चीज़ हम बोलेंगे कि राजीव नगर का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और राजीव नगर का जो एक और है, राजीव नगर जो एक्वायर वाला को लेकर के है, तो हम वादा करते हैं इनसे, इसमें हमें वादा करते हैं कि मेयर होते हुए भी अगर राजीव नगर की समस्या का समाधान नहीं तो आपके साथ मधुमंजरी भूख हड़ताल पर बैठ जाएगी, ये मेरा वादा है। चलिए, तो मंजरी है, अंतिम दिन प्रचार का बचा हुआ है, अपने लोगों से मिल रही हैं, फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।